मियां साहब के साथ एक तो बड़े लंबे अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई, तो कैसा पाकिस्तान की सियासी हिकमत अमली? चार साल बाद मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है और मैंने उनकी सेहत दरियाफ्त की, अल्लाह ताला उनको जिंदगी अता फरमाए और इसी को पकड़ा दो, बाकी जब बैठते हैं तो फिर सियासत पर भी बात होती है जी। तो मैं यहाँ पे निजी दौरे पे हूँ इंशाल्लाह। तो जो आज पाकिस्तानी कौम जो है वो उस शख्स से पूछ रही है जो अना के पहाड़ पर बैठा हुआ सबको चोर डाकू कहता था, मैं तो कहना दे, और कहता था कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो ताकत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, फौज बर्बाद हो जाएगी, और रियासत मदीना का नाम लेते थकता नहीं था। तो आज कौम पूछ रही है ना कि वो जो चेक साइन कराए जाते थे, डी बॉयज के नाम पर पैसे आते थे, और कहाँ कहाँ से आए हैं पैसे, डिक्लेरेशन फॉर्म में दस्तखत इमरान खान खुद करते थे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो अब ज़रा वो जो सादिक अमीन जो डिक्लेयर था वो कौम को जवाब दे इस बात का, और कौम मुहासबा करेगी, और मुस्लिम लीग नून का और तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका मुसलमा ये इरादा है कि फॉरेन फंडिंग केस को मंतगी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और जो शख्स चार साल कौम का वक्त ज़ाया करता रहा, सबसे बड़ा फ्रॉड उसने पाकिस्तानी कौम के साथ ये किया है जो फॉरेन फंडिंग केस की सूरत पर सामने आया है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप तो मियां साहब से यहाँ पे आज जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कोई वापसी के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई, आपने उनसे कुछ कहा? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत का महवर है, और जब भी इंशाल्लाह पार्टी और अपना जो है वो डॉक्टर से मुनासिब समझेंगे वो उनकी वापसी होगी, और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन है जो वक्त पे होगा 2023 में, उसमें इंशाल्लाह ताला जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। हमजा साहब, आपके साथ जो ज्यादती हुई सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, आपको एक जीते हुए आपके 197 में वोट थे, फिर उसके बाद नजरिया जरूरत के तहत अपने ही फैसले को उन्होंने कहा नहीं ये गलत था आप ठीक कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अदालतों की मौजूदगी में आप लोग को इंसाफ मिल सकता है जो कुछ आपके साथ से हुआ? मैंने आज तक निगरान वज़ीर-ए-आला का सुना था, अवामी वज़ीर-ए-आला का सुना था, लेकिन मैंने कल कहा, मैंने पंजाब से भी मैंने कहा ये जुडिशल वज़ीर-ए-आला जो है वो पहली मरतबा मैंने देखा है, और आइन कहता है कि वोट जो है वो काउंट होंगे, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन फैसला है जिसमें आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई है। बहरहाल हमारा कानूनी हक है कि हम इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे, रिव्यू पटिशन दायर करेंगे, फुल कोर्ट बनेगा, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे, और अदालतें जो हैं उनसे हमें इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन जब इंसाफ होता ना दिखाई दे तो उसके लिए पूरी आवाज़ हम बोलेंगे। इमरान खान नाहल हो रहे हैं, जो उनके ज़ाती मामलात थे जो तुषा खाना रेफरेंस में उन्होंने चीज़ें छुपाई, क्या आप समझते हैं कि उनको नाहल होना हो? अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद पर नाहल हो सकते हैं, ये तो एक पूरा सामान मौजूद है एविडेंस के साथ कि इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है, और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है, तो इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। लेकिन एक आखिरी बात, हम इंतकाम नहीं रहे, हमारे खिलाफ तो 2 साल मुझे जेल में रखा, 16 महीने नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमारी तमाम क्यादत को, और सबूत कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन यहाँ पर तो इमरान नियाजी के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, तो जब इंसाफ और कानून के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह इमरान नियाजी को नाहल होना है इंशाल्लाह। हमजा साहब, आपके जो मुखालिफ हैं जब से आप लंदन आए हैं तो वो कहते हैं जी हमजा भी भाग गए पाकिस्तान से, तो आप ये बताएं कि आपका वापसी का कब इरादा है, और आप ये भी बताएं कि जो आप पे इल्जाम लग रहा है वो कितना सच है कितना झूठ? मैं निजी मसरूफियात की बना पर आया हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, 1993 में भी बतौर एक स्टूडेंट मैंने जेल काटी थी, और अब भी 2 साल जेल काटी है, अल्लाह के फजल से हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन अब इमरान नियाजी के भागने की बारी आ गई है। बहुत शुक्रिया।